हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लाई हूँ ये खट्टी मीठी लौंजी, जिसको बिहार में खट मिट्टी भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो ये कोटिंग है गुड़ की, कितने अच्छे से ये गाढ़ी गाढ़ी इस पर चढ़ गई है, जो गर्मा गर्म खाने के साथ आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं। फ़िलहाल तो खैर कोरोना का टाइम है तो अभी सफ़र नहीं, पर जब कभी सफ़र का टाइम रहता है आपका तो आप उसमें भी इसको ले जा सकते हैं। पूड़ी पराठे के साथ ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। सब्जियां ख़राब हो जाती है पर आप इसको ले जा सकते हैं और देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। इसको देखते बनाना कैसे, तो आम की लौंजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1/2 किलो आम। ये कच्चे आम हैं और 4 आम है टोटल, लगभग इसका वेट 530 ग्राम है। तो इनको हमें धो लेना है और धो के हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इस तरीके से गांठ और पूरा छिलका इस तरीके से हम सारे आम को छील लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से जब सारे आम छिल जाएं तो इनको हम अब हमें ऐसे स्लाइस में कट करना है, ठीक है। आप चाहे तो इस तरीके से इसको छोटे पीस में भी कट कर सकते हैं, पर मैं इसको स्लाइस में कट कर रही हूँ, मुझे इसी तरीके से पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका क्यूब्स में या कैसे भी पीस कट कर सकते हैं। जब भी आप आम की लौंजी बनाएं तो आम को थोड़ा सा चख के टेस्ट कर लें। क्या होता है कि शुरू के कभी आम होते हैं वो थोड़े खट्टे होते हैं, और अभी जैसे ये मंथ जून का आ गया है, आम के पकने का सीज़न है, पर फिर भी कहीं आम जैसे रह जाते हैं तो वो उतने खट्टे नहीं होते। आप देख सकते हैं ये भी हल्के हल्के येलो ही है, तो ये बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं है। तो इस जो खट्टापन है, इसका जो टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम गुड़ मिलाएंगे कि गुड़ हमें कम मिलाना है या ज़्यादा। तो इस तरीके से गुठली वाला पार्ट है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे सारे जो आम हैं उनको हम इसी तरीके से कट कर लेंगे, जैसे आलू की भुजिया बनाते टाइम कट करते हैं। यहाँ पे मैंगो के जो पीसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा पतला या बहुत बारीक छोटा ना कट करें, क्योंकि जब ये गल के सॉफ्ट होते हैं तो फिर उस तरीके से भी गला गला ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें ये थोड़े पीसेस में चाहिए, तो इस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा ही इसको कट करें। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसका तड़का। तो यहाँ पर हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई गर्म होने के लिए, और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल। आप चाहें तो इसको रिफाइन में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, पर मैं इसको बनाने वाली हूँ सरसों तेल में। इससे आपकी लौंजी में कोई टेस्ट में ऐसा नहीं पता चलेगा कि सरसों का तेल यूज़ हो रहा है। आप हेल्दी के लिए सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब तेल गर्म हो जाएगा, तेल गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम हम करेंगे बंद, और इसमें मैं डालने वाली हूँ 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून राई, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून मेथी का दाना। यूँ कह लीजिए कुल मिला के ये 5 फोड़ना है। इसके साथ ही 2 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम एकदम लो कर दी है ताकि हमारा मसाला जले ना, और इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे हम सौंफ, 1/2 टेबल स्पून अब मैं ऐड करूँगी जो हमारी कटे हुए आम के पीसेस हैं, तो मिक्स कर लें। फिलहाल इसमें बिना पानी डाले इसको इसी तरीके से
लो फ्लेम पे ही ढक के रखेंगे सेकने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। तो मैं आपको ये थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। इसको बीच बीच में जिस तरीके से सब्जी चलाते हैं थोड़ा सा मिला लें, ताकि ये जले भी ना। और अभी ये सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा और सॉफ्ट होने तक ढक के पकने देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो आम है, अब मैं आपको दिखाती हूँ सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। ये देखिए, इस तरीके से ये आम सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आम आपके सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं और बहुत देर हो गई है, बहुत ज़्यादा देर, तो आप इसमें 1/4 कप पानी डाल सकते हैं, या फिर घर में जो चाय का कप होता है उसका 1/2 कप आप पानी डाल सकते हैं। पर आप कोशिश करें पहले इसी तरीके से पकाने की। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी वाली है, ये कलर वाली नहीं है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिया है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। नमक का यह मेजरमेंट स्वाद के अनुसार है, जिस तरीके से हम सब्जी में नमक डालते हैं उसी तरीके से हमें इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा हमें नमक इसमें नहीं डालना है, जैसे अचार में एक्स्ट्रा डलता है वैसा नहीं डालना है। और अब इस 1/2 किलो आम में मैं डाल रही हूँ 230 ग्राम गुड़। मैंने जो गुड़ यहाँ यूज़ किया है, ये जो थोड़े डार्क ब्राउन कलर के हैं वो वाला यूज़ किया है। उससे क्या है, जो कोटिंग है वो बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मार्केट में अलग अलग टाइप के गुड़ आते हैं, जो एक थोड़ा लाइट कलर का होता है, लाइट येलोइश कलर का, वो उतना उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, बाइंडिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो कोशिश करें कि आप ये वाला गुड़ ही मार्केट से खरीदें लॉन्जी के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो है सारा मसाला मिल चुका है। अब हमने इसमें जो गुड़ ऐड किया है उसको मेल्ट करना है। तो यहाँ पर अब मैं गैस बंद नहीं करने वाली हूँ, धीरे धीरे इसको बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। और अब इस गुड़ को पिघलाना है। ये जो आम है वो बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं थे, इसलिए मैंने 230 ग्राम गुड़ लिया है। पर अगर आपको लगता है कि आपके आम थोड़े से खट्टे हैं, तो आप 250 ग्राम गुड़ यूज़ करें 1/2 किलो आम में। तो धीरे धीरे हमारा जो गुड़ है वो पिघलने लग गया है। मैं इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाने वाली हूँ, इसकी कोटिंग बस हमें ऐसी चाहिए कि हमारे आम जो है वो पक गए हैं, उसके ऊपर एक लेयर आ जाए गुड़ की। तो ये देखिए, धीरे धीरे गुड़ ने पिघलना शुरू कर दिया है। बीच बीच में इसको चलाते रहें, मिक्स करते रहें। देखिए, हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, पर हमारी जो लॉन्जी है वो गुड़ से ही इसमें थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी आ गई है। इस पूरे प्रोसीजर में मैंने गैस की फ्लेम लो ही रखी है। जब हमारा गुड़ थोड़ा पिघल जाएगा, तब आप चाहें तो गैस की फ्लेम में हल्का सा लो टू मीडियम के बीच में कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो गुड़ है हमारा वो पिघल चुका है, इस पर कितना अच्छा कलर चढ़ा है। और इसको थोड़ा सा भी हमें ड्राई करना है, तो यहाँ पर गैस की फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ, और 2 से 3 मिनट गुड़ को थोड़ा और पका लें। जो गुड़ का जो ये लिक्विड है, इसको आप गैस पे ही पूरा ड्राई ना करें, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं यूज़ किया है। जब हम इस लॉन्जी को मतलब बन के तैयार हो जाएगी, तब ये वैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो तब खाने में वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा फील ना हो। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में छोड़ेंगे, पर फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा गुड़ को पका लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब गुड़ गर्म होता है तो वो थोड़ा गीला ही रहता है। तो ये देखिए, इसकी चाशनी धीरे धीरे आप देख रहे हैं, ये गाढ़ी और थोड़ी सी होती जा रही है और एक स्ट्रिंग छोड़ रही है। ये देखिए, जब इस तरीके से आपका ये गुड़ हो जाए, तो यहाँ पे समझ जाइए
कि अब आपका गुड़ जो है वो गाढ़ा हो गया है, और जब गैस बंद करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं गैस की फ्लेम कर रही हूँ बंद, और जो हमारी लौंजी है वो बनके तैयार हो गई है। जब ये ठंडी हो जाए आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसको आप 2 से 3 दिन रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, पर अगर आपने ज़्यादा बनाई है 1 किलो 1.5 किलो की एक ही साथ, तो आप इसको फ्रिज में भी बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो अब गर्मी का मौसम तो है पर कच्चे आम का मौसम ना निकल जाए, तो उससे पहले एक बार ये आम की लौंजी या खटमीठी इसको ज़रूर ट्राई करें, और मेरे को अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।